शख्सियत, बेहतरीन इंसान, और सबसे बड़ी बात अपनी मेहनत से जो कमाया। मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, हमेशा ख्वातीन के लिए उनके दिल में बहुत इज्जत है, बहुत प्रोजेक्ट करते रहते हैं ख्वातीन के लिए। आज के मेरे रूए नुमा, आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अतीक साहब, सेनेटर मियां अतीक साहब, वेलकम। शुक्रिया प्राजा साहब, ये तो आपने मुझे भी रैंप पे बुला लिया। थोड़े आने से खड़ाक बड़े होंगे सर, रैंप दो आजकल हालात नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बहरहाल आजकल जो वक्त है वो प्रोटोकॉल का नहीं है, बल्कि वो पंजाबी से कहते हैं नीवे नीवे होके लंगन दर। सो बहुत शुक्रिया प्राजा साहब, एक और अच्छे दिन का आगाज उम्मीदों के साथ कि जितने भी मेहमान यहाँ लाए, तशरीफ लाए हैं, जो लोग जो हमारे यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से वो कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। और आज की बात जो मैं सोच रहा था वो ये है कि एक इल्म हासिल करना है जिसके लिए, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे उस वक्त के मुताबिक कहा गया चीन जाना पड़े। और वो वजह ये थी कि उस वक्त में जो वसाइल थे शायद वो इतने नहीं थे। मैंने चूंकि इसको पढ़ा है इसलिए कहूँगा, आज जो इल्म हासिल करे मैं समझता हूँ उस पर ये फ़र्ज है कि वो उसको पास ऑन ज़रूर करे, क्योंकि जब आप जो आपने सीखा है उसको आगे पहुँचाते हैं तो तभी आप अच्छे तरीके से ओहदा भरा होते हैं। दूसरी चीज़, मैंने मेरे ख्याल में तीसरी मरतबा मैं प्राचा साहब के इस प्रोग्राम में आया हूँ, आई बिलीव कि इनको चाहिए है कि अब ये कोई सक्सेस स्टोरीज जो हैं उनको सामने लेकर आए, और वो आप लोगों में से हो जो वाकई में ही सक्सेस स्टोरी बने, सिर्फ पैसे कमाने की हद तक नहीं बल्कि जिन्होंने नाम भी कमाया, और अगर उनको सामने लाया जाएगा तो फिर वो बहुत से जो बिगनर्स हैं, जो नए आने वाले हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल बनेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी प्राजा साहब से, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो लोग इनके ट्रेंड किए हुए हैं, इनके वसातत से जो आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, उनको ज़रूर सबके सामने लाया जाए ताकि उनसे वो अपनी सक्सेस स्टोरीज जो हैं उनको शेयर करें। मैं एक बार फिर आपको इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपके फ्यूचर को प्रॉस्परस बनाए, अल्लाह आपको तरक्की दे, और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह आपको और आगे लेकर जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पिंक रोज से आई हुई ब्यूटिशियन पिशावर से, बहुत काबिल एहतराम, उन्होंने जाना है ज़ाहिर है पिशावर, बहुत तेज़ बारिश थी इसके बावजूद वो आई। नादिया जदून से बाकी एहबाद में बहुत बारिश थी इसके बावजूद आई। तो पिंक रोज से ब्यूटी पार्लर को वेलकम कीजिएगा, मैडम बिनिश को अपनी शील्ड लेने के लिए आएंगी अतीक साहब के हाथों से।